बेसिकली बाइंग साइकिल मतलब साइकोलॉजी ऑफ द कस्टमर। हम जब सेलिंग करते हैं तो उसको जिस प्रकार से हम बात करेंगे उसका जो एक यू नो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है वो होना बहुत जरूरी है। हम लोग हमेशा क्या करते हैं, सेलिंग साइकिल के ऊपर यू नो डिस्कस करते हैं। बहुत सारे लोग हमको सिखाते हैं कि सेलिंग कैसे करने का, यू नो पहले ओपनिंग करने का, फिर यू नो नीड एनालिसिस करने का, फिर डिस्कवरी करने का, उसके बाद यू नो क्लोजिंग करने का, उसके बाद फिर यू नो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने का, और उसके बाद यू नो फॉर्म भर के ले लेने का। ये तो सेलिंग साइकिल हो गया, बट क्या आपने कभी भी सोचा है कि बाइंग साइकिल कैसे होगा? जब ये सब कर रहे हैं तो सामने जो कस्टमर है वो किस प्रकार से सोच रहा है, क्या सोच रहा है, ये जरूरी है, क्योंकि उसका साइकोलॉजी क्या है। अगर हम उसके तरफ से सोचते नहीं है तो हमको सेलिंग में भले जो भी हम करेंगे, जो भी प्रेजेंटेशन करेंगे, उसमें दिक्कत जरूर आएगी। तो दोस्तों, आने वाला जो मेरा वीडियो है उसमें मैं ये सीक्रेट्स बताने वाला हूं कि ये बाइंग साइकिल के 4 स्टेप्स क्या है। भूलना मत देखने के लिए ये मेरा वीडियो। थैंक यू।